हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं रेडमी नोट 10 टी फोन के बारे में। और ये मेरे पास रेडमी नोट 10 टी जिसका जो स्क्रीन है वो हो चुकी लॉक, यानी कि यहाँ पे लग चुका है मेरा पैटर्न लॉक। और जैसे ही मैं इसमें अपना पैटर्न जो एंटर करता हूँ तो ये फोन हो जाता है लॉक। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे किस टाइप से आप अपने रेडमी नोट 10 की सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन है उनका जो स्क्रीन लॉक है उसको कैसे ओपन कर सकते हो। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हमारे पास है रेडमी नोट 10T जिसका आज की वीडियो में करने वाले हैं हम स्क्रीन लॉक उसको अनलॉक। तो देखिए, जैसे ही हम इसके अंदर पैटर्न लगाते हैं तो ये फोन हो जाता है तुरंत लॉक। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस फोन की जो पावर है उसको हमें करना है ऑफ। ऐसे इसका पावर बटन उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और पावर टैप टू पावर ऑफ पे क्लिक करके इसकी पावर उसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद क्या करना है कि इस फोन का पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन, इन दोनों को इकट्ठा लॉन्ग प्रेस करना है। कुछ इस टाइप से देखिएगा, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको प्रेस करना है। तो ये देखिएगा, जैसे पावर, ये पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन, इन दोनों को इकट्ठा लॉन्ग प्रेस करना है। तो इस टाइप से, और वाइब्रेट होते ही आपको इनको फ्री कर देना है। तो इस टाइप से आपके पास मेन मेन्यू के अंदर रिकवरी मोड के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना है रिबूट वेब डेटा कनेक्ट विद MI और सेफ मोड। तो हमें इस फोन का करना है फिलहाल पैटर्न लॉक, इसको अनलॉक। तो आपको वेब डेटा ऑप्शन पे लेके आना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन आपको प्रेस करना है इस टाइप से, और उसके बाद जो पावर बटन है उसको प्रेस करना है इस टाइप से, और फिर से दोबारा पावर बटन प्रेस करना है, और उसके बाद करने हैं कैंसिल और कंफर्म। हमें करना पड़ेगा कंफर्म, यानी कि वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना है इस टाइप से, देखिएगा, और उसके बाद करेंगे पावर बटन उसको प्रेस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये जो डेटा वॉइप है वो सक्सेसफुली वॉइप हो जाएगा आपका। और यहाँ करें बैक टू मेन मेन्यू, यानी कि फिर से हमें पावर बटन उसको प्रेस करना है, और उसके बाद कर देना हमें फोन को रीबूट। तो रिबूट करने के लिए आपको फिर से पावर बटन है उसको प्रेस करते रहना है जब तक कि ये फोन रिबूट नहीं हो जाता। तो देखिएगा, फोन हमारा जो है रिबूट होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे एक इस टाइप से अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप अपने फोन के जो पैटर्न लॉक है, या फिर आपने पिन लॉक लगाया है, या फिर जैसे भी आपने जो भी टाइप का लॉक लगाया स्क्रीन के ऊपर, उस लॉक को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइस, हमारा यहाँ पे फोन है वो चुका है बूट कर लिए। चलिए तो इसको कर लेते हैं फटाफट से हम बूट। तो ये जो नॉर्मल सेटिंग है उन्हीं को आपको फॉलो करते हुए इस फोन को करना है बूट। तो ज्यादा आपका प्रॉब्लम होगी नहीं, यहाँ पे जो दो ही प्रॉब्लम होते हैं, एक आपका MI अकाउंट और दूसरा होता है आपका गूगल अकाउंट। वो अगर आपको पता है तो वो प्रॉब्लम आपकी हो जाती है बाईपास। तो चलिए, यहाँ पे जो च्वाइस यूअर ओरिजिनल लगती है सेटिंग होती है उन सभी को आपको स्किप करते हुए चलना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इनको कर सकते हो सेट। तो फिलहाल मैं स्क्रीन के ऊपर कोई भी लॉक वगैरह नहीं लगा रहा हूं, और जितनी भी सेटिंग है उन सभी को कर रहा हूं स्किप करते हुए चल रहा हूं। तो गाइस, यहां पे हमारा जो सेटअप हो चुका है कंप्लीट और फोन हो चुका है हमारा स्टार्ट। तो ये देखिएगा, फिलहाल फोन के ऊपर कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप अपने फोन के जो स्क्रीन लॉक है उसको निकाल पाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ मेरे चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।